शान देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। बहुत सुंदर एक ये मंत्र है। ये महर्षि दयान जी का प्रिय मंत्र था। ये तो ये मंत्र के बीच क्या कह रहा है? मंत्र किसे कहते हैं? जिसको हम मनन कर सकते हैं, जिसको हम विचार कर सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार की अधूरापन है, किसी प्रकार की कमी है, तो मतलब समझो कि हम भगवान से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, हम मंत्रों से दूर होते जा रहे हैं, हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। तो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे विश्वानि देव, हे विश्व के देव, हे परमात्मा, हे भगवान, विश्वानि देव सवितर दुरितानि, हे सविता देव, दुरितानि जो हमारे दुर्गुण हैं। हम सभी मनुष्यों के अंदर कुछ ना कुछ दुर्गुण होते ही हैं। हम पूर्ण निर्दोष नहीं होते, लेकिन वो दुर्गुण हम दूर कर सकते हैं। कोई ऐसे पाप नहीं होते, लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन वो गलतियों को उसको हम उभार सकते हैं, उनसे आगे बढ़ सकते हैं, हम उनको अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इसी के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सवितर दुरितानि परासुव, कि जो हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो भी हमारे अंदर के काम वासना है, वो सब क्या करो, दूर कर दीजिए। यद भद्रम, और जो भद्र है, जो कल्याणकारक है, उसको क्या कीजिए, हमारे अंदर प्रवेश कराइए। महर्षि दयान जी कहते हैं जन्म ना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते, कि जब जन्म ना जायते शूद्र, जब मनुष्य जन्म लेता है ना, वो पशु ही होता है, वो पशु की तरह ही होता है। तो पशु को जैसे एक सामान्य पशु होते हैं, तो वो जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनको एक स्वाभाविक उनके अंदर बुद्धि होती है। वो जन्म लेते ही वो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में खड़े हो जाते हैं, वो कुछ ही देर में खाने पीने लग जाते हैं, कुछ ही देर में फुदकने लग जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा है जो जन्म लेते ही वो खड़ा नहीं हो जाता, जन्म लेते ही वो खाने पीने नहीं लग जाता, जन्म लेते ही वो बोलने नहीं लग जाता, रोएगा जरूर, जन्म लेते ही उसको रुलाया जरूर जाता है। तो महर्षि दयान जी कहते हैं कि जन्म ना जायते शूद्रः संस्कारा द्विज उच्यते। तो मनुष्य का एक बचपन से हर एक मनुष्य शूद्र की भांति होता है। यहाँ पर कोई जाति पात का नहीं कहा गया। शूद्र का मतलब होता है कि अंदर, जब शूद्र यहाँ से कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता, उसको महान बनाने के लिए हमें संस्कार की आवश्यकता होती है। इसलिए 16 संस्कारों की भी विधि की गई है, जन्म संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, कई संस्कार ऐसे होते हैं जो अंत्येष्टि संस्कार तक किए जाते हैं। तो ये सारे संस्कार मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए, मनुष्य को ऊंचा उठाने के लिए। और मनुष्य हर एक पल अपने आप जब विचार करेगा, जब अपने मन पर विचार करेगा, अपनी बुद्धि से सोचेगा, मन पर विचार करेगा, बुद्धि से काम करेगा, और जब आगे बढ़ता जाएगा, तो वो हमेशा सुखी रहेगा। कहा जाता है पवित्रता ही मनुष्यता की शान है। तो जब मनुष्य पवित्र बनेगा, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणधानानी क्रिया योगा, तो शौच संतोष सबसे पहले कहा गया है, शौच यानी शुद्धता। कैसी शुद्धता? तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता। जब हमारे अंदर शुद्धता होती है, जब हम जैसे एक सामान्य रूप से जब हम स्नान कर लेते हैं, अपने रूम की सफाई, साफ सफाई कर लेते हैं, वस्त्रों को साफ कर देते हैं, तो आप देखो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये कि बाहरी शुद्धता हो गई, वैसे ही हमारे मन की शुद्धता होती है। मन की शुद्धता होती है हम शास्त्रों से, मन की शुद्धता होती है गुरुवाणी से, मन की शुद्धता होती है महापुरुषों के सत्संग से, सज्जनों के संग से। तो हम अपने मन को शुद्ध रखें, और
हमें दुनिया के अनुसार बहुत कम चलना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है कि दुनिया में लोग हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप में स्थिर नहीं हो रहे। जब हम अपने आप में स्थिर होंगे तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया स्वतंत्र है कहने के लिए, दूसरे लोग स्वतंत्र है कहने के लिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम भी तो स्वतंत्र हैं वो अपनाने के लिए। ये हम भूल जाते हैं, दुनिया की बातें हमें याद रह जाती हैं कि उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें वो कह दिया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन जब दुनिया आपको कुछ दे रही है तो आप भी उतने ही स्वतंत्र हैं कि आप दुनिया की चीज़ों को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जब आप ऐसे सोचेंगे, जब आप ऐसे विचार करेंगे, ये कब होगा? जब आपके मन की शुद्धता होगी, आपकी वाणी की शुद्धता होगी, आपके तन की शुद्धता होगी, मन की शुद्धता होगी। तो शुद्धता सबसे पहले चीज चाहिए हमें जीने के लिए, शुद्धता, पवित्रता। पवित्रता हमारे अंदर होगी, शुद्धता हमारे अंदर होगी, तो बाहर के वायरस, बाहर की गंदगी, बाहर के लोगों के विचार हमें प्रभावित नहीं करेंगे। हम उस समस्या को तो देखेंगे लेकिन उस समस्या के जड़ तक पहुंचेंगे और उस जड़ को निकाल करके, खोद करके, निकाल कर उसको फेंक देंगे। तो जीवन बहुत सहज है, जीवन बहुत सरल है, अगर हम जीवन को जागरूकता पूर्वक जिए तो। ये हमारा तन भी बहुत अच्छा है, शरीर के अंदर की जितनी भी मशीन है ये बहुत अच्छी बनी हुई है, भगवान ने हमें मुफ्त में उपहार दे रखा है। इसको हम फालतू की चीजें, फालतू के अटरम सटरम, फालतू का केमिकल, फालतू का कचरा खा खा करके, कचरा इसके अंदर डाल डाल के इसको हम बर्बाद कर देते हैं। तो इस शरीर को भी हम बचा करके रखें। इस शरीर को बचाने का मतलब है इसको स्वस्थ रखें, बचाने का मतलब है इसको जैसे भगवान ने हमें दिया है, जिस कार्य के लिए दिया है, जिस काम के लिए दिया है, इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए इस शरीर को दिया है, उस उद्देश्य को समझें। क्योंकि मनुष्यों में और बाकी प्राणियों में यही अंतर है कि मनुष्य अगर चाहे तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन सकता है, अगर मनुष्य ना चाहे तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गिरा भी बन सकता है, सबसे नीच भी हो सकता है। तो ये कहाँ पर निर्भर करता है? ये विचारों पर निर्भर करता है। आपके विचार जैसे होंगे आप वैसे ही बन जाएंगे, और दुनिया कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकती, आपको कभी दुखी नहीं कर सकती। ये सिर्फ आपने कई बार सुना होगा, केवल मेरे से ही नहीं सुन रहे, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस पर आपने विचार कितनी बार किया, आपने इसको सोचा कितनी बार? कि लोग कहते तो हैं कि हमें लोग, दूसरे लोग दुखी नहीं कर सकते, हम अपने खुद कर्मों से दुखी होते, लेकिन कैसे? इस पर विचार करो, थोड़ा सोचो कि जब हम दुखी होते हैं, कब दुखी होते हैं? जब हमें दूसरे की बात लगती है। क्यों लगती है? जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। कमी क्या है? यही कमी है कि दूसरे की बातों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरे के सामने हम झुक जाते हैं, दूसरे के सामने हम अपने घुटने टेक देते हैं। झुकना अच्छी बात होती है, झुकना चाहिए, लेकिन झुकना कहाँ? सच्चाई के सामने। फालतू यानी कि हमें बुराइयों के सामने नहीं झुकना, और जब हम बुराइयों के सामने झुकने लग जाते हैं तभी हमारे अंदर दुख का कारण हो जाता है। दुख का कारण है बुराइयों के आगे झुकना, लेकिन जब हम सच्चाई के सामने झुकेंगे, ईश्वर के सामने झुकेंगे, तो हमें कभी दुख नहीं होंगे। होते हैं जो अच्छे महान लोगों में और सामान्य लोगों में क्या अंतर रह जाता है? महान लोगों को वही कि वो अपने आप को पहचानते हैं कि मैं कैसा हूँ, और जब मैं कैसा हूँ तो दूसरा कोई कैसा भी कहे तो मुझे मानना ही नहीं है। अगर एक क्षण के लिए मुझे लगा भी कि मैं अगर ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे बदल देने हैं अपने विचारों को कि नहीं मैं ऐसा नहीं। जैसे किसी दूसरे ने कहा आपके सर पे कौवा बैठा हुआ है, आपके सर पे उल्लू बैठा हुआ है, अब मुझे तो पता है ना कि नहीं बैठा, लेकिन मैं थोड़ा सा देखूंगी मैं कि हाँ मेरे सर पे बैठा है कि नहीं बैठा। बस उतने क्षण मात्र के लिए आप दूसरे की बात से प्रभावित हो, लेकिन उसके बाद दूसरे ही क्षण
मुझे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे ऊपर उल्लू बैठा है या कौवा बैठा है या क्या, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मुझे क्यों पता है मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे मेरे ऊपर ना कौवा है ना उल्लू है। तो अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाएं, और उसके लिए हमें खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। हम जब खुद पर मेहनत करते हैं, अपने आप पर जीना सीखते हैं, अपने आप पर हम चलना सीखते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जीवन बहुत सहज है, बहुत सरल है, उसके लिए हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सुबह सुबह कम से कम, सुबह नहीं समय मिल रहा, दिन में किसी समय आप गीता का एक श्लोक उठा करके पढ़ लो, उपनिषद का एक मंत्र उठा करके पढ़ लो, रामायण का एक श्लोक उठा करके पढ़ लो, और जो उसमें से आपको सीख मिलती है उसी के अनुसार आप चलो, तो आप देखेंगे हम सब का जो जीवन है बहुत सहज हो जाएगा। और कभी भी गलत मत करो, किसी के साथ भी गलत नहीं करना, निर्दोष को कभी नहीं सताना। जब हम निर्दोष को सताते हैं तब हम गलतियों पर तो हमें काम करना है, जो दोषी हैं, जो क्रूर हैं, जो अत्याचारी हैं, उन पर तो हमें कठोरता करनी चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों पर, निर्दोष लोगों पर हमें कभी भी जुल्म जाति नहीं करनी चाहिए। और जब मनुष्यों का यही स्वभाव होता है, जिससे डरता है उस पर नहीं करता, चाहे वो अत्याचार ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जिससे नहीं डरता, नहीं समझता है कि ये साधारण है, लाचार है, बेबस है और ये निर्दोष है, उसी पर अपना सारा कुछ जमाता है, उसी पर अपना धौंस जमाता है, उसी को परेशान करता है, तो ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता यही है कि जो सच्चाई के पथ पर चलना और जो क्रूरता है, जो असत्य है उस पर कार्य करना, जो दोषी है, जो क्रूर हैं उन पर कार्य करना, और हमेशा सच्चाई के पथ पर चलना। तो जब सच्चाई के पथ पर चलते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं, तब हमारा जीवन बहुत आनंदमय हो जाता है, फिर हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। और ये जीवन प्रभु को स्मरण करने के लिए गीता में कहा गया है कि सबसे बड़ा त्याग क्या है, ये त्याग नहीं है कि आप खाना त्याग दो, ये त्याग नहीं है कि आप वस्त्र त्याग दो, ये त्याग नहीं है कि आप सुख सुविधाएं त्याग दो, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। त्याग, सबसे बड़ा त्याग होता है कर्म फल का त्याग। जो शरीर के लिए जो आवश्यक है, भोजन नहीं करोगे तो मरने लग जाओगे, भोजन तो करना ही है उतना ही, लेकिन उस भोजन पे भी ध्यान रखना है कि भोजन क्या करना है, सात्विक भोजन करना है। जब सात्विक भोजन करेंगे तो हमारा मन भी सात्विक होगा, असात्विक भोजन के साथ साथ हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें भोजन भी सात्विक देने हैं, मन विचार भी सात्विक देने हैं, और हमें हमेशा असहाय लाचारों की सेवा करनी है, जो क्रूर हैं, जो अत्याचारी हैं, उन पर कठोरता करनी है, उन पर हमें सहायता, उन पर मदद नहीं करना। जो अत्याचारी, जो बे असहाय लोगों को, बेबस लोगों को जो क्रूरता करते हैं जिन पर, उनका हमें साथ नहीं देना। इतनी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, इतनी हमारे अंदर ये पावर होनी चाहिए, और ये पावर कब आएगी, जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। अगर हमारा जीवन सच्चाई के पथ पर है तभी हम ये काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ये जीवन भगवान पे काम करने के लिए मिला है, ये जीवन भगवान को स्मरण करने के लिए मिला है, ये जीवन भगवान का काम करने के लिए मिला है, तो इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं हम, इसको हम उसकी सेवा में, उसकी स्मरण में, उसको जानने में लगाएं कि जो भी भगवान ने हमें दिया है वो बहुत कुछ दिया है, और जब का और देगा, कब देगा, जब हम उसी को उसी में अर्पण करेंगे। जैसे कहा जाता है अग्नि को अग्नि में डालने से अग्नि और बढ़ती है, तो हम ईश्वर के दिए गए इस उपहार को जब उसी को अर्पित करेंगे तब ये और बढ़ेगा और हम इसकी और ज़्यादा उपयोगिता समझ पाएंगे। तो उसने जो हमें शरीर दिया उसकी उपयोगिता समझें, उसके कार्यों को समझें, उसके कार्यों में लगाएं, जीवन को, इस मन को, इस तन को बिल्कुल स्वस्थ रखें।
ये हमारा आयुर्वेद के अनुसार ये हमारा तन जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। एक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो 5 तत्वों का जो मिला जुला जो एक कॉम्बिनेशन है, इससे ये शरीर बना हुआ है। और इसी के कॉम्बिनेशन से वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष उत्पन्न होते हैं। तो इन शरीर को भी हमें जब कैसे स्वस्थ रखेंगे, हम 100% अगर हमारे अंदर संकल्प हो, हम 100% हमारे अंदर एक उत्साह हो, हमारे अंदर एक दृढ़ता हो, तो हमें 100% कभी भी जीवन में डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। हम इसको स्वयं ही स्वस्थ कर सकते हैं और अपने खुद के इलाज से हम इसको स्वस्थ कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? हम इसको पहले तो हम समझें कि ये शरीर को चाहिए क्या। शरीर के लिए जो चाहिए वो नहीं देना, शरीर के लिए जो अच्छा है वो देना है। मतलब ये शरीर जो है 5 तत्वों का है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन है ये। तो जब इसको हमें शरीर को ध्यान में रखते हुए कि 5 तत्वों का शरीर है, तो इसको हमें पृथ्वी का भी अंश देना है, जल का भी अंश को ध्यान में रखना है, अग्नि को भी ध्यान में रखना है, वायु को भी ध्यान में रखना है और आकाश को भी ध्यान में रखना है। तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? पृथ्वी, जल मतलब भोजन तत्व, जो भोजन हम करते हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए और लंघनम परम औषधम, और हमें लंघन का भी ख्याल रखना चाहिए। लंघन मतलब उपवास, लंघन मतलब थोड़ा कम। जैसे हम डेली के रूटीन में भोजन करते हैं, अगर हफ्ते में हम 7 दिन 6 दिन पूरा रूटीन भोजन का फॉलो करते हैं, अच्छा मील डाइट, फुल डाइट लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें 7वें दिन थोड़ा कम कर देना चाहिए, क्योंकि शरीर को रेस्ट देनी है, लंघन करना है। तो जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर आपको 5 तत्व डालने हैं। अब वो 5 तत्व को डालने के लिए आपको जगह डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको किस तत्व से, किस पदार्थ से, किस वस्तु से उस बॉक्स को आपको भरना है। तो जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपको भरना है, वैसे ही हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों का है, ये 5 वस्तुओं का है, 5 वस्तुओं का जो है शरीर है, तो इसको 5ों ही देने हैं, तो केवल एक नहीं देना। तो हमें भोजन पर ध्यान रखना है, केवल हमें अपने पेट में कितनी जगह है, हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हमें अपनी क्षमता के अनुसार हमें देखना है कि हमें भोजन कितना लेना है। अगर हम बहुत यहाँ तक गले तक भोजन कर लेते हैं, 5-6-7 रोटियाँ, 3-4 चम्मच चावल, सब्जी खूब खा लेते हैं, बाकी हम जब सब इतना सारा खा लेते हैं तो फिर बाकी 4 तत्वों के लिए हमारे पास जगह ही नहीं रह जाती, और फिर हम हो जाते हैं बीमार, होने लग जाते हैं। तो हमें भोजन भी कैसे करना है, बिल्कुल सुपाच्य सा भोजन। 1-2 रोटी की हमें भूख होनी चाहिए, जब हमें लगे कि 1 रोटी और हम खा सकते हैं। कैसे क्राइटेरिया हम डिसाइड करें? हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें 1 रोटी हम और खा सकते हैं, वहां पर स्टॉप कर दो, नहीं अब नहीं खाना। अगर 1 रोटी हम और जगह हमारे पास में, हमारे अंदर हमारा मन कर रहा है, तो यहाँ पर नहीं खाना। फिर आप देखना, 1 रोटी की आप जगह बचा कर अगर उठ जाओगे ना, तो फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर उसको तुरंत खाने के बाद पानी ना पिए, जूस ले लें, छाछ ले लें, ये सब ले सकते हैं, और फिर उसके 1 घंटे बाद, 40 मिनट 1 घंटे बाद आप पानी पिए, और पानी भी उतना पिए जैसे कि आपने भोजन किया है, तो 2 से 3 लीटर 4 लीटर यानी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप पानी भी लें। ऐसा नहीं कि आपने भोजन तो 1 किलो खा लिया और पानी आप 1 लीटर भी नहीं पिए। तो पानी को भी हमें उचित स्थान देना है। फिर अग्नि, अग्नि मतलब जठराग्नि, हमारे अंदर की जो अग्नि है उसको भी जलने का अवसर देना है। जब वो जलेगी तो अंदर हमारे भोजन डाइजेस्ट होगा, पचेगा, तो वो अंदर हमें ऊर्जा प्रदान करेगा, हमारा खून बनेगा, हमारे अंदर ऊर्जा आएगी, हमारे अंदर सात्विकता आएगी, हमारा मन सही रहेगा और हम जिस कार्य को करेंगे वो अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो अग्नि का भी, फिर वायु, वायु मतलब हमें श्वास, वायु का भी स्थान देना है हमें अंदर, और हमें
प्राणायाम के माध्यम से, हमें लंबी गहरी सांस के माध्यम से, हमें डीप ब्रीदिंग के माध्यम से, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, इन सब के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से कम सुबह 15-20 मिनट प्राणायाम, 15-20 मिनट कठोर व्यायाम, इतना तो हमें शरीर को हार्डवर्क करवाना ही चाहिए, तभी स्वस्थ रहेगा ये शरीर। शरीर को अनुसार हमें काम करना चाहिए तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम बहुत आनंदित रहेंगे। मन में को फालतू विचारों से बचा करके रखना है, तन को गलत भोजन से बचा करके रखना है, और मन को गलत विचारों से बचा करके रखना है, और जीवन को गहराई से सोचना है कि ये जीवन जो मिला है वो भगवान के लिए मिला है, ये जीवन जो मिला है मुक्ति के लिए मिला है, इस संसार से मुक्ति, ये जीवन से मुक्ति, ये कर्म बंधनों से मुक्ति, इसके उसके बहुत सारे अपवादों से मुक्ति, बहुत सारे के लोगों की बुराइयों से मुक्ति, हर चीज से मुक्त हो जाना। इस जीते जी अगर हम मुक्त हैं तभी हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि कहीं जाकर के गुफा में बैठ जाओगे वहां मुक्ति मिल जाएगी। काम करते करते ही, कार्य करते करते ही, अपने कार्यों को बहुत पवित्रतापूर्वक करते हुए, अपने कार्यों में गुणवत्ता बढ़ाते हुए, अपने कार्यों को जो काम करो वो ईश्वर को समझ करके करो। ये जो शरीर है, एक तन है, ये जो मन है, ये सब क्या है, यंत्र है, और इस यंत्र से भगवान का जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी पूजा कर रहे हैं, ऐसे भाव के साथ हम शरीर को चलाएं। और कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इस पर हमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं इस पर ज़्यादा हमें विचार करना चाहिए। हम दूसरे की बातों पर ज़्यादा देखने लग जाते हैं, हम किसी काम को कर रहे हैं, हमें दुखी हो रहे हैं, हम ठोकर पे ठोकर खा रहे हैं, फिर हम दूसरे से कहते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। अपने आप पर देखो, जैसे आपने पट्टी बांध रखी है, अगर आपने अपने आंखों पे पट्टी बांध करके और चल रहे हो, तो जब पट्टी बांध करके आंखों में चलोगे तो आपको तो दिखाई दे नहीं रहा, तो आप जिधर भी चलोगे उधर ही ठोकर का ही ठोकर खाओगे। अगर आप सामने चल रहे हो और आप किसी से पूछ रहे हो कि मैं किधर चलूं, आप मुझे बता दो कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो कहेगा कि आप बाईं ओर चलो, आप दाईं ओर चलो, आप पीछे चलो, आप आगे चलो। तो आप कहीं पे भी चलोगे, जिधर चलोगे उधर भी ठोकर ही तो खाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब आंखों में पट्टी बंधी हुई है तो आप चाहे आगे चलोगे वहां पे भी ठोकर खाओगे, दाएं चलोगे वहां पे भी ठोकर खाओगे, बाएं चलोगे वहां पे भी ठोकर खाओगे। तो उस ठोकर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलते रहना पड़ेगा, दूसरे से पूछते रहना पड़ेगा कि हम क्या करें, दूसरे की बातों को ही सुनना पड़ेगा कि अपनी पट्टी को खोलना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? हमें अपनी आंख की पट्टी को खोलना पड़ेगा। तो आंख की पट्टी क्या है? आंख की पट्टी यही है जो हम अपने आप को ध्यान में नहीं रखते, हम अपनी गंभीरता को ध्यान में नहीं रखते, अपने विचारों को ध्यान में नहीं रखते, हम ईश्वर को ध्यान में नहीं रखते, हम शास्त्रों को ध्यान में नहीं रखते, हम गुरु को ध्यान में नहीं रखते। यही हमारे, जब यही पट्टी बंध जाती है, जब हम ईश्वर का स्मरण नहीं करते, उसके अपनी आत्मा की जब हम आवाज नहीं सुनते, हमें अपने आप पर स्वाभिमान नहीं होता, हमें अपने आप पर गौरव नहीं होता, तो हमारी दुनिया की आंखों की पट्टी बंध जाती है और हम जिधर ही जाते हैं उधर ठोकर ही खाते हैं। तो उस ठोकर से बचने के लिए हमें अपने आप की पट्टी खोलनी है और हमें खुद पर डिपेंड रहना है। दूसरे पर कभी डिपेंड हो करके, दूसरे से भीख मांग करके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। भीख मांगना कैसे? जैसे आप कभी कुछ, जैसे एक भजन ही गा रहे हो और वो भजन गाते हो और भीड़ की तरफ देख रहे हो, दुनिया की तरफ देख रहे हो कि दुनिया को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उसी पे आप अपने आप को जज कर रहे हो, तो उससे आप सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया से आप भीख मांग रहे हो, वो जज कर, आप अपनी क्षमता से, आप अपने अपने भाव से उसको प्रकट करो ना। दुनिया को अच्छा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, यही दुनिया का खेल है।
तो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या नहीं कर रही, दुनिया कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको आनंद में रहना है, आपको कैसे चलना है, अपने महापुरुषों के पथ पर चलना है, आपको गुरु पथ पर चलना है, आपको शास्त्र पथ पर चलना है, और आपको आप अपनी आत्मा के अनुसार चलना है, जो सच्चाई का मार्ग है उस पर चलना है, फिर आपका जीवन बहुत आनंदमय होगा। विचार क्रांति में हम ऐसे जीवन को बहुत ऊंचे उठाते चलें, अपने आप कर पर विचार करें, अपने जीवन को उठाएं, अपना चरित्र बहुत उज्जवल बनाएं। हम विचार करते रहेंगे। ओम नमस्ते।